हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संडे व्लॉग। तो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं अपनी चाची के यहाँ पे, चाची लोगों से मिलने। आज संडे को थोड़ा सा हमने सोचा कि फंडे बनाया जाए इनका। चिनु हाय। ओए, ये क्यूब सॉल्व करने में लगा है, घर से वो क्यूब रख के बस उसी को करने में लगा है। और कोहली जी गए हैं मिठाई लेने के लिए। घर से बिल्कुल भी हमने ब्लॉग नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाया, घर के सारे काम करे, उसके बाद ही कहीं इधर उधर जाना होता। तो अभी जाते हैं, थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काशीपुर कुंदन के वहाँ की मिठाई है। दिखा दो, एक खा के देख रहा हूं। पापा तुम्हारे लिए शायद अलग लाए हैं। ये शायद ये तुम्हारे लिए लाए हैं शायद। अभी पापा को आने दो, साथ में ही खाना, मैं तो नहीं खाऊंगी। मतलब मिठाई वगैरह तो ये जल्दी ले आते हैं, अगर फ्रूट्स लेने जाते हैं ना इतना टाइम लगा देते, एक एक छांट छांट के लाए। कितना टाइम लगाया सेब खरीदने में? ये मिठाई बच्चों के लिए लाए हो गया? ये लो, मैं नहीं खा रहे, आप लोग क्यों? हम खोलते हैं, हमें कब पता है? टेप लगी हुई थी, पैक किया हुआ था, लोग बहुत टेस्टी होती है। आपने टेस्ट करा? मतलब कुछ भी चीज लाना है टेस्ट करना। लिंकू ले, पक्का अच्छी है। ये है काशीपुर गिरिताल। नानी लोग घर पे नहीं है क्या? नानी है। कह रहा है मामा सोए हैं, उनका दोस्त है, क्या कह रहा है, और पूरा घर छान लिया। कोई नहीं, कैसा कर रहे थे गाड़ी में से पकड़े स्कूल है, गुस्सा आ रहा था ना मुझे। आज घर वाले गायब हो गए। सुबह चाची लोग कहाँ आज? अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि तू तो कैसा सोया रहे अभी? कुछ ठीक हो रहा है? यहाँ आने के बाद पहले पेट पूजा हुई, उसके बाद अब शुरू हो गया काम, बन रहे उसके लिए भांग की तयारी। आज खाना होना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। ये है चाची, लियो चाची। ये दोनों ब्यूटीफुल गर्ल, एक तो अच्छे से ब्यूटीफुल हो गई है डाइटिंग कर करके, और ये क्या कर रहे हैं? तेल निकाल रही है। आज शरीता कुछ क्या कर रहे हैं? हाय, रुको, रील बनाने के लिए तैयार, और मेरे व्लॉग में आने के लिए पीठ पलटा रही है। यहीं जा, यहीं जा। ये है आमा, ये है बुआ। बुआ हाय करो। नींबू छिल रही है, सबसे पहले हम लोग खाएंगे नींबू। खाना वाना मिले ना मिले वो बात की बात है। बैटर का खुनो हम क्यों भांग?
भांग और गुड़, भांग गुड़ नमक मिर्ची लहसुन सब हम बैटर ना हम क्यों कुनो है हरे चाची क्यों कुछ हो पिशी नून तो बैटर बैटर कोई नहीं होना। यहाँ मछली बनने की तैयारी, ये पिज्जा और वहाँ नींबू, मछली के लिए मसाला तैयार हो रहा है। चाची ने हमारे लिए कॉफ़ी बनाई थी और चाय, उसके साथ हम लोगों ने नमकीन बिस्किट ये खा लिया था। तो बच्चों ने कॉफ़ी नहीं पिया तो फिर चाची ने इनके लिए बोला कि पिज्ज़ा बना दो। और ये दो बुआ की बेटियां हैं, यहीं से ये लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए चाची ने बोला कि तो इनके लिए पिज्ज़ा बना दे बच्चों के लिए, क्योंकि खाना बनने में टाइम था। चाची ना बहुत करती है हम लोगों के लिए। अरे पिज्जा में कोई अपना नियत मत डालना, ये शॉम में छोटू का है, अब देखते हैं सबूत है। थोड़ी जोर मुझे बुला। बच्चों के लिए कंजूसी मत करना। अरे ना खूब भर भर के डालना मेरे नातियों के लिए। पता एक दिन आइसक्रीम बनाते बोले तो मम्मा बाजपुर वाले नानी के जैसे आइसक्रीम बनाओ। हाँ ये तो बढ़िया बना रहा था। नींबू का जो चाट बनता है ना वो हम लोगों का फेवरेट होता है। जो भी पहाड़ी हैं तो वो सभी लोग जाड़ों में नींबू का चाट बना के खाते हैं। हम लोग तो बोलते हैं कि नींबू सान के खाना, बट ये एक चाट जैसा ही होता है, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। भांग को जब हम फ्राई करते हैं ना तो उसका जो भी वो होता है वो निकल जाता है, तो इससे कोई भी मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, इसमें हम लोग दही, नींबू और भांग का मतलब मसाला बैटर टाइप का तैयार करके डालते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। मच्छी आ गई, मच्छी और उसमें डालना फिर मछली के दीवाने। ये बिना हम लोग नींबू खा रहे थे तो हस्बैंड कम खाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए आज वो कह रहे थे कि अच्छा हो रहा है दही डाल के ना, तो उसका खट्टापन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चाचा ने ना, हम लोग एक्चुअली मैं चाचा से ही मिलने आए थे, चाचा की थोड़ी सा पहले प्रॉब्लम हुई थी तो उस टाइम पर हम लोग आ नहीं पाए, और आज आए थे हम लोग चाचा से मिलने तो चाचा ड्यूटी चले गए थे। तो चाचा ने इनके लिए मछली भेजी थी कि संतोष आ रहे हैं, तो उन्हें इनको बहुत अच्छी लगती है मछली। वहाँ गुलरभोज डैम है तो वहाँ से चाचा ने इनके लिए मछली भिजवाई थी, और हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं तो चाची चाचा बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इतना शायद हम लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे, तो हमेशा चाचा इनके लिए मछली भिजवाते हैं। तो वही फिर बाद में ना मतलब चाची से इतना कट नहीं हो पाता है मछली, तो इन्होंने ही मछली काटी थी। सबके लिए अलग अलग आए हैं, हाँ मेरे लिए नींबू, बच्चों के लिए पिज्जा, जवाई के लिए मछली। देखो यहाँ आके ससुराल में आके ऐसा काम हो रहा है। यहाँ पे ना पिज्जा बन के रेडी हो गया था, तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बोल रहे थे ना, तो वो वॉइस सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए। और बच्चों का फेवरेट है पिज्जा, और सच में बहुत अच्छा बना था, जैसे हम लोग मार्केट से लाते ना उससे भी ज़्यादा अच्छा बना था। तो बच्चों को दिया तो बच्चे खुश हो गए। जब भी हम लोग आते हैं ना तो चाची मतलब बच्चों के लिए कुछ अलग, हमारे लिए अलग, और इनके लिए तो हमेशा मछली आती आती है, और वो भी ताज़ी मछली चाचा उसी टाइम पे मंगवाते हैं। और पिछले बार हम गर्मियों में आए थे तो चाची ने बच्चों को आइसक्रीम बना के खिलाई थी, तो उन चाची को जैसे पता था हम लोग आने वाले हैं, तो एक दिन मतलब एक दिन पहले या शायद सुबह से चाची ने बना के रख दिया था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और हमेशा बोलते हैं कि जैसे बाजपुर वाली नानी ने आइसक्रीम बनाई है वैसी बनाओ। चाची आज से ही नहीं मतलब पहले जब हम लोग पहाड़ में थे तब से ही हम लोगों को बहुत अच्छा मानती है, और हम लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कैसा हो रहा है सौम्य? अच्छा हो रहा है। शुरू हो गई है, सलाद बन के आ गया है। तो यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया था, चाची ने सबके लिए खाना लगा दिया था, और ये लोग सलाद बनाते ना सच में मतलब बहुत ही टेस्टी सलाद बनाते हैं सच में गाइस। मैं वहाँ पे भी बोला था और यहाँ पे भी बोल रही हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सलाद था, और मछली भी बहुत टेस्टी थी। मतलब ये हमेशा ये सोचते हैं ना कि मतलब संतोष कैसे खुश हों, बहुत ही ज़्यादा करते हैं, मतलब मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी। सुबह हाई क्यों नहीं कर रहा था?
यहाँ पे हो गया था हमारे घर आने का टाइम, और बहुत सारे व्लॉग में मैंने शेयर किया है कि हम लोग जब भी मतलब इधर उधर जाते हैं, चाहे घर से जाओ या इधर उधर से आओ, तो हम लोग टीका लगाते हैं और शुभ माना जाता है टीका लगाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा तुमको पता नहीं चाहिए? ना ना बोल दे रही है इसलिए। ना ना बुआ बाय, मैं वीडियो देखते रहे। अरे छोटे दोनों फूफा जी देखते हैं मेरे ब्लॉग और बुआ को भी दिखाते हैं, है ना? फूफा जी देखो देखते, तुम तो हर देखना ही, तुम तो देखना पड़ा। आज कोहली जी ने इतनी मछली खा दिया, पेट दबाने लग गए, कह रहे अब ड्राइव नहीं हो पा रहे। गुलरबोज डैम की मछलियाँ। अच्छा चाची ने यहाँ को भी रखे हैं मछली, अभी जितनी बची थी बोल रही थी कि घर में बना के खा लेंगे, वो भी रखी है। और इन्होंने तो मतलब होती भी अच्छी है। हाँ आज मैंने भी खाई कि सिंगल काटा था, पिज्जा खाया इनको, इनके लिए पिज्जा बना था, मेरे लिए नींबू, इनके लिए मछली। चीनू अच्छा लगा पिज्जा? टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब मार्केट से भी ज्यादा अच्छा हो रहा था।